स्वागत है आपका हमारे शो आर्टिफैक्ट में, जहां हम आपके लिए आर्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और इजी टिप्स लेकर आते हैं। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में हम अपने तनाव को कम करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। किताबों से लेकर कुकिंग तक के कई तरीके आप अपना भी चुके होंगे तनाव को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप तनाव को कम करने के लिए असमर्थ होंगे, तो आपको मौका देना चाहिए मंडला आर्ट को। मंडला आर्ट एक प्रकार का आर्ट है जिसमें बारीक पैटर्न को सिमेट्री में बनाया जाता है और लास्ट में ये गोला आकार ले लेता है। इससे जुड़ी और आगे की जानकारी पाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस भावना, जो कि एक यूट्यूबर है और इनका पिनाकी आर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। मिस भावना आज हमें मंडला आर्ट को बनाने के तरीके तो बताएंगी और किस तरीके से इसे और इजी तरीके से बनाया जा सकता है वो भी बताएंगी। तो भावना जी, आपका स्वागत है हमारे शो आर्टिफैक्ट में। थैंक यू सरिता। तो चलिए भावना, हम मंडला आर्ट बनाना शुरू करते हैं। मंडला डॉट आर्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैनवस का, फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स। यहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स हैं, नॉर्मल ब्रशेस की टिप भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसी टूथपिक्स भी। मैं यहाँ पर ब्लैक कैनवस का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज 6x6 inches। मंडला डॉट बनाने के लिए सबसे पहले मैं सेंटर मार्क कर रही हूँ। ये हमारा सेंटर है, इस पर हम कंपास की हेल्प से एक सर्कल बना लेंगे। ये मेरा सर्कल बन चुका है। अब मैं डी की हेल्प से मार्किंग कर रही हूँ। अब इन लाइंस को हम हमारे सेंटर पॉइंट से जोड़ेंगे। तो भावना, हमने सुना है कि मंडला आर्ट को मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। अगर आप इसको अपने ध्यान में लगाकर करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डॉट आर्ट से नहीं बनाना चाहते तो स्केचिंग बुक्स भी आती है, उससे भी आप उस पर भी आप बना सकते हैं। तो ये स्केचिंग बुक्स क्या महंगी मिलती है बाज़ार में? नहीं, ये बहुत ही ईजीली और सस्ती मिल जाती है। तो भावना, एक बात ये भी बताइए कि क्या मंडला आर्ट को बनाने के लिए हम सिर्फ इसी साइज़ का कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं या इससे बड़ा भी कुछ ले सकते हैं? नहीं, आप किसी भी साइज़ का और किसी भी आकार का ले सकते हैं। ओके जी हाँ दोस्तों, मंडला आर्ट के बारीक पैटर्न की वजह से ही हमारा पूरा ध्यान इसमें लग जाता है और जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। मंडला आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसकी वजह से जब हम मंडला आर्ट को बना रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस उस पर हो जाने की वजह से ही हम तनाव को दूर कर पाते हैं। तो भावना, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डॉट बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैं बिल्कुल इसी तरह के कलर यूज़ कर सकते हैं या जैसे कि नॉर्मल वाटर कलर आते हैं हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए? वाटर कलर इसके लिए ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि वो बहुत लिक्विडी होते हैं, पतले रहेंगे और वो फैल जाएंगे। एक्रेलिक कलर की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, इसलिए हम इससे डॉट्स ईजीली बना सकते हैं। आप चाहें तो दो कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर काफ़ी सारे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं। मेरा बैकग्राउंड डार्क है इसलिए मैं लाइट कलर्स का ही यूज़ करूँगी।
भावना जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि ब्रशेस होते हैं उनके भी कुछ नंबर्स होते हैं, तो क्या इसके का इस टूल का भी कोई नंबर होता है? जी सरिता, इसके नंबर तो नहीं होते, लेकिन इनके एक पॉइंट पर थोड़ा छोटा डॉट बन सकता है और दूसरे पॉइंट पर थोड़ा बड़ा डॉट बन सकता है। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनके साइज में का फ़र्क है। ये कुछ बड़े डॉट्स के लिए ऐसे हैं मिल सकते हैं। और अगर हमारे पास ये टूल्स ना हो तो? जी सरिता, आप चाहें तो इस तरह की ब्रशेस की टिप भी यूज़ कर सकती हैं। मैं इसी से आपको बनाकर दिखाती हूँ। और अगर भावना किसी की ड्रॉइंग या पेंटिंग अच्छी ना हो तो? इसके लिए आपको किसी आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मार्किंग करने के बाद आप बहुत इजीली आप बना सकते हैं। और अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में, मैंने जैसे बताया था, बुक्स भी मिलती हैं, उससे आप ये बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक बार ही कलर लेके इसको डिप किया है और इसको कंटिन्यू किया है, तभी इसका साइज छोटा होता गया। सरिता, मैं अभी ये डॉट्स बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा डॉट बनाया है, उसके पास में ही छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं, तो ये कितना अच्छा वाइब्रेंट लग रहा है। जी हाँ भावना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो डॉट के ऊपर भी एक दूसरा छोटा डॉट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वाला डॉट पूरी तरह से सूखना चाहिए। को देख रही हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट इसके अंदर ही है, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसे बनाने के लिए। जी बिल्कुल, तभी इसको कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए अच्छा है। तो भावना, इसको बना
बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा? वैसे तो सरिता, जब आप इसको बनाने लगते हैं समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन तब भी कुछ तो होगा कि पाँच मिनट में तो खैर बन ही नहीं सकता, लेकिन आधा घंटा या एक घंटा, ये डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा सर्कल बनाना है। तो अभी इसका पैटर्न तो शायद मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो इतना आसान जितना हमें लगता है इतना आसान ये नहीं है। हाँ सरिता, इसको आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। देखा दर्शकों आपने कि कितना सुंदर मंडला आर्ट बना। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग फैक्ट आर्ट से जुड़े देखने के लिए आप हमारे शो आर्टिफैक्ट को देखते रहिए।